नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन में। यूपीपीएससी के लेटेस्ट अपडेट्स में प्रभात कुमार हो सकते हैं आयोग के नए अध्यक्ष। क्या है पूरी न्यूज़ जानने के लिए चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप किसी भी न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं ये अमर उजाला प्रयागराज की न्यूज़ है। आज की न्यूज़ है 28 जून 2019 यूपीपीएससी चेयरमैन के लिए प्रभात कुमार के नाम पर समिति ने लगाई मुहर, सीएम लेंगे अंतिम फैसला। आयोग में रिक्त हो रहे सदस्यों के नाम की भी संस्तुति चयन समिति ने की। चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार की होने की संभावना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने मुख्यमंत्री से प्रभात के नाम की संस्तुति की है। सीएम की मंजूरी मिलते ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। आयोग के मौजूदा चेयरमैन का कार्यकाल 2 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसी महीने 3 सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। बताया गया है कि रिक्त हो रहे पदों पर नए अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए बुधवार को मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि इसी बैठक में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त व 1985 बैच के अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार के नाम की संस्तुति की गई। रिक्त हो रहे सदस्यों के नाम की भी संस्तुति चयन समिति ने की है। शासन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने चयन समिति द्वारा कुमार के नाम की संस्तुति किए जाने की पुष्टि की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस पर अंतिम फैसला सीएम योगी करेंगे। 1-2 दिन में निर्णय होने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति मुकुल सिंघल ने फिलहाल कुछ भी कह पाने की असमर्थता जताई है। तो ये थी जानकारी यूपीपीएससी की। मेरे वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर मिलूंगी नए अपडेट्स के साथ।